दोस्तों आ गया है हमारे पास Realme हेयर ड्रायर। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देंगे अपने फर्स्ट इंप्रेशन, बताएंगे इसकी बिल्कुल क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, यूज कैसे करना है, हर चीज जानने के लिए मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता, TriPerformance.in में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में मिल जाता है हमारा Realme हेयर ड्रायर। लेफ्ट हैंड साइड में इसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन किए हुए हैं, एज वेल एज राइट हैंड साइड में भी इससे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो हम डेफिनेटली आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की फटाफट इसकी बॉक्स को ओपन किया जाए। जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएगा एक यूजर मैनुअल। तो अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो यूजर मैनुअल को जरूर एक बार ध्यान से पढ़िए। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखने को मिलता है वन नोजल, और एट द एंड ये रहा हमारा Realme हेयर ड्रायर। अगर हम इस Realme हेयर ड्रायर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ VO फ्लेम रिडंडेंट मटेरियल, जिससे इस पे आग लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। बहुत ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, बिल्कुल व्हाइट कलर में आता है, देखने में भी काफी प्रीमियम लगता है। इसी के साथ साथ इस हेयर ड्रायर को जब भी आप यूज करें, मेक श्योर आप इसके नोजल को सबसे पहले कनेक्ट कीजिए, उसके बाद ही इसको यूज कीजिएगा। डायरेक्टली यूज बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। चलिए इस नोजल को हम यहां पे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। दैट्स ऑल। अब आप बिल्कुल तैयार हो इस डिवाइस को यूज करने के लिए, बट उससे पहले चलिए इसकी बाकी के फीचर से मैं आपको रूबरू करा देता हूं। ये डिवाइस सपोर्ट करता है 1400 वाट पावर इफिशियंसी, 2 हीट 2 स्पीड सेटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ 5 मिनट में ये आपकी हेयर को पूरी तरह से ड्राई कर देगा, ऐसा Realme का दावा है। 55 डिग्री सेल्सियस तक की हीट ये जनरेट करता है। 20 मिलियन आयोन्स इस पे आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ 19,000 RPM की स्पीड से इसकी फैन रन होती है। ये तो हो गए इस हेयर ड्रायर की फीचर्स। फ्रंट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 2 बटन दिया हुआ है, जिसके हेल्प से आप जो नीचे वाला बटन आप देख रहे हैं, इसके हेल्प से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है, इसको बीच में लेके आओगे तो नॉर्मल स्पीड से आप अपने बाल को सुखा सकते हैं। पूरा टॉप में कर दोगे तो भाई मैक्सिमम स्पीड पे आपका हेयर जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ एट द टॉप जो आप बटन देख रहे हैं, इसके हेल्प से आप कंट्रोल कर सकते हैं आपको ठंडा हवा चाहिए कि गर्म हवा चाहिए। एक बार प्रेस करेंगे तो ठंडा हवा आएगा, दोबारा फिर से प्रेस करेंगे तो गर्म हवा निकलना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, हीट प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस आपको बटन प्रेस करना है और बिल्कुल गर्म हवा आपको मिलना शुरू हो जाता है। मैंने इस डिवाइस को यूज़ भी किया है। चलिए सबसे पहले मैं इसके पावर कॉर्ड को लगा करके एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और रही बात से केबल की क्वालिटी, केबल क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, और इसका लेंथ जो है इट इज़ अराउंड 6 फुट मैंने नाप करके चेक किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिवाइस को ऑन करने के लिए बस आपको इस पावर बटन को ऊपर की ओर स्लाइड करना है, और आप देख सकते हैं हमारा हेयर ड्रायर जो है ये ऑन हो चुका है। और नॉर्मल हीट इट इज़ एनफ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको इससे भी ज़्यादा हीट चाहिए तो आपको मैक्सिमम पे लेके जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कितना शोर ये कर रहा है। यस, इट इज़ नॉइजी, सेम लाइक अदर हेयर ड्रायर। एट द टॉप मैंने बताया था आपको हीट कंट्रोल कर सकते हैं। राइट नाउ ठंडा हवा आ रहा है यहाँ से, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो गर्म हवा यहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है। यस, द टेम्परेचर इज रियली रियली हाई, बहुत गर्म हवा यहाँ पे आ रहा है। मैंने इस डिवाइस को खुद के बाल पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया है, और आई एम रियली सरप्राइजिंग गाइस। इससे पहले मैंने कोई हेयर ड्रायर यूज़ तो नहीं किया है, बट मैं इतना कह सकता हूँ ये हेयर ड्रायर मैंने यूज़ किया एंड परफॉर्मेंस इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। आई हैव यूज्ड बोथ हॉट हेयर एज वेल एज कोल्ड एयर। सिर्फ मैंने ही नहीं, टेस्टिंग के लिए मैंने अपने वाइफ को भी दिया इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए, और उनका भी कहना है भाई ये हेयर ड्रायर जो है काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर आप जेंट्स हो तो मैं एक चीज़ हमेशा याद रखना, बिल्कुल बालों में चिपका करके आपको यूज़ नहीं करना है। जब भी आप इसको यूज़ करो, एटलीस्ट आपके बाल से 3 सेंटीमीटर का दूरी बना रहना चाहिए। और अगर आप एक लेडीज़ हो, भाई लेडीज़ के बाल बड़े बड़े होते हैं, इधर भी बाल, तो भाई जब बाल सुखाते हो राइट, तो इधर का तो 3 सेंटीमीटर आपका होना ही चाहिए, बट इधर का जो एरिया है ना, मेक श्योर 10 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। नहीं तो, क्योंकि ये यहाँ से हवा खींचता है राइट,
अगर आप बिल्कुल करीब रखोगे तो हो सकता है आपका बाल भी ये खींच ले और बाल अंदर चला जाए। सो फॉर योर सेफ्टी मेक श्योर जब भी आप इसको यूज करें ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर का दूरी बनाए रखिएगा और फ्रंट एंड साइड में मिनिमम 3 सेंटीमीटर का दूरी बनाए रखिएगा। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कहो परफॉर्मेंस कहो आई बिलीव दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। और अगर आप अपने लिए एक हेयर ड्रायर ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस हेयर ड्रायर को बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस हेयर ड्रायर को ऑनलाइन खरीदना ही चाहते हैं तो मेरे भाई इसका बेस्ट बाय लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिल जाएगी, डायरेक्टली आप वहां से खरीद सकते हैं। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।